भिवंडी शहर की अनगिनत समस्याओं जैसे सड़क पर पड़े सैकड़ों खड्डे, ट्रैफिक का माया जाल को लेकर आज एमपीजे भिवंडी द्वारा एक ह्यूमन चेन बनाकर मनपा में बैठे प्रशासनिक अधिकारी व मनपा आयुक्त को नींद से जगाने और भिवंडी महानगर पालिका की लापरवाही के खिलाफ प्रोटेस्ट का आयोजित किया गया। ये ह्यूमन चेन प्रोटेस्ट भिवंडी शहर के दीवान शाह दरगाह से लेकर हैदरी मस्जिद तक रखा गया था। ये प्रोटेस्ट दोपहर 3 से शाम 4:00 बजे तक रखा गया था। इस ह्यूमन चेन प्रोटेस्ट में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, उनके अभिभावक, महिलाएं और भिवंडी के आम जनमानस सहभागी हुए, जिन्हें इस मानसून के दौरान रोज भिवंडी के अलग अलग इलाकों से गुजरते वक्त तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, पिछले कई दिनों से लगातार हो रही है बारिश। इस बारिश में भी इस ह्यूमन चेन प्रोटेस्ट में लोग सहभागी हुए और अपना विरोध प्रकट किया। दरअसल इस दीवान शाह दरगाह रोड पर जब भी चुनाव आता है और राजनेता इस चुनाव में अपना परिचय दाखिल करने के लिए जाता है, तो वो इसी दीवान शाह दरगाह पर चादर तक चढ़ने के बाद, माथा टेकने के बाद ही अपनी जनसभाओं को या पर्चा भरने आगे जाता है। कई राजनेताओं को तो यहाँ माथा टेकने के बाद वह अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं और उसके बाद शायद उन्हें 5 साल बाद ही इस इलाके की याद आती है। इसी खड्डे में भरे कीचड़ में गंदे पानी में से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे उनकी रोज की स्कूली जिंदगी पर असर पड़ रहा है। कभी बच्चों का ड्रेस खराब हो जा रहा है, क्योंकि जब गाड़ियां, बाइक वाले और ऑटो वाले चलते हैं तो उसे उड़ने वाला कीचड़ और गंदा पानी इन स्कूली बच्चों और उनके अभिभावकों के कपड़ों पर चला जा रहा है। कई बच्चे स्लिप होकर इस कीचड़ में ही गिर जाते हैं। इस ह्यूमन चेन प्रोटेस्ट में शामिल कई लोगों से हमने बात की, उन लोगों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ऐसा है कि इस वक्त तमाम शहरियों की फरियाद है, लोग एक पीसफुल खामोश एहतजाज के खातिर इंसानी जंजीर बनाकर खड़े हैं। हमारी फरियाद कॉरपोरेशन की बेबसी से, कॉरपोरेशन की खामोशी से, जो कॉरपोरेशन खामोश तमाशाई बनकर लोगों को तकलीफ़ देने के कगार पर है। हमारे कमिश्नर साहब बिल्कुल टस से मस होने को तैयार नहीं है। हज़ार बार, बल्कि मैं हज़ार बार कहता हूँ, कई बार उनके सामने भिवंडी के केसेस अखबारात की सुर्खियों में है, सोशल मीडिया पर है। उन्हें चाहिए था कि तवज्जो देते और भिवंडी के सड़कों को सही करते, लेकिन हम जिस शहर में रह रहे हैं, कदीम शहर, हमारे शहर के बाद बहुत सारे शहर आबाद हुए जो बड़े सिस्टमेटिक बन चुके हैं, लेकिन आज भी हमारे शहर में वही खस्ता हाल सड़कें हैं, वही खड्डे हैं, बल्कि हम खड्डों के शहर में रहते हैं, लोग हमारे शहर को खड्डों का शहर बोलने लगे हैं। इसलिए हमारे कमिश्नर साहब के पास बहुत सारे लोग हर तरह से कोशिश किए कि हमारे कमिश्नर साहब की याद दहानी के लिए जाएं और उनकी तवज्जो इस तरफ दिलाएं, लेकिन उन्होंने हर मुमकिन कोशिश के बाद भी जो है इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। आज भी हम कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब से, आज भी हमारी मुअद्दबाना गुजारिश, अपील है कि इस तरफ आप कब जो है वो तवज्जो देंगे। कई सारी जानें जा चुकी हैं, बहुत सारे लोग ज़ख्मी हो चुके हैं, रिक्शा वाले, फोर व्हीलर वाले, बाइक वाले और स्कूल के तलबा, हर तबका जो है मुतासिर है, अपनी फरियाद कर रहा है। तो कमिश्नर साहब कब हमारी फरियाद को सुनेंगे? वो आज का प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है? सड़क के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे कोई सड़क नहीं है ढंग की, कुछ नहीं है, बच्चों का फ्यूचर नहीं है, हम लोग का कोई फ्यूचर नहीं है। जब इनको हमारी ज़रूरत होती तो हम इनकी माँ, बहन, बेटी सब बन जाते। आज जब हम लोग रोड पे हैं तो इन लोग को ये नहीं हो रहा कि इनकी माँ, बहन, बेटी कैसे रोड पे निकल गए। आज हम लोग सब चीज़ के लिए लड़े, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, हम लोग का तो है ही नहीं, हम लोग के बाद के बच्चों का भी नहीं है। रोज़ हम लोग कॉलेज जाने के लिए स्ट्रगल करते हैं, एक घंटा पहले घर से निकलना पड़ता है जबकि आधे घंटे का रास्ता है। ऑटो वाले क्या करेंगे, उन लोग की कोई गलती है ही नहीं, उन लोग स्लो इसलिए चलाते ताकि उनको कोई नुकसान ना हो। हम लोग को जवानी में हमारी कमर नहीं तोड़नी है, इन लोग को किसी चीज़ की वो है ही नहीं। क्या मांग करती है? हमको अच्छा रास्ता दो, हमारा फ्यूचर दो। ये लोग पैसा लग रहा दारू पी के सो गए, इनको होश ही नहीं है। लड़कियाँ सड़क पर निकल रही, औरतें सड़क पर निकल रही, इनको जब हमारी ज़रूरत होती तो जब हम इनकी माँ, बहन, बेटी सब बन जाते, और आज जब हम लोग रोड पे खड़े तो इन लोग देखने भी नहीं आ रहे कि हम लोग किस हाल में हैं। धर्मों की तरह देखते जा रहे हैं मगर, और कमेंट पास करके जाते हैं कि पैसा दे के नहीं यहाँ पे खड़े कराया गया है। ये है हमारे आदमी, ये हमारे मुआशरे के आदमी है जो हमें कमेंट पास करके जाते है। इन लोग को कोई कुछ करना ही नहीं है, जाहिल जैसे इनकी जिंदगी निकल गई, सबकी जिंदगी ऐसे ही निकलेंगी। ये लोग जिससे सीखने वाले उनके अंदर इतना करप्शन है कि उनसे देख के लोग करप्ट करना ही सीख सकते और कुछ नहीं सीख सकते। रोड के सिवा 2 नंबर की बिल्डिंग खाली बनती है, रोड क्यों नहीं बनता, क्यों नहीं बनता? ये 2 नंबर की खाली बिल्डिंगे बनेगी भिवंडी में,
और हमारे इलाके में सबसे ज़्यादा बनती है। फिर बाद में बोलेंगे ऐसा है वैसा है, ये तोड़ेंगे वो तोड़ेंगे। हाँ खड्डों के बारे में, अरे खड्डे के बारे में क्या बोल रहा, वही तो बोल रहा हूँ मैं। अरे सपने में आ रहे खड्डे, सपने में आ रहे हैं बस इनका और हो चुका है। अगर कमिश्नर साहब नहीं काम कर पा रहे हैं तो अपना तबादला करा ले भिवंडी शहर से, और बिल्डिंगों पे ध्यान कम दे, सड़क पे ध्यान ज़्यादा दे। उनका भी फायदा है, हमारा भी फायदा है, सबका फायदा है। ये इसीलिए है, ये देख लीजिए। बताइए कि भिवंडी शहर में पूरा शहरी खड्डे में है, उसको लेकर एमपीजी पिछले कई महीनों से एक्टिव और शहर के खड्डों को लेकर प्रोटेस्ट भी कर रही है, बताइए उस बारे में। आज जो ये एमपीजी का चैन प्रोटेस्ट है उस बारे में थोड़ा सा बताइए। लास्ट ईयर भी एमपीजे की तरफ से हम लोग ने ये कैंपेन चलाया था, मगर इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था। इस बार हम लोग ने ह्यूमन चेन का इंतज़ाम किया और ये कैंपेन अच्छा रहा। हम लोग ने थाना रोड पे भी 25 जुलाई को किया था, लेकिन बहुत बारिश की वजह से पब्लिक ज़्यादा नहीं आ पाई थी, फिर भी अच्छा प्रोटेस्ट रहा। इम्पैक्ट ये था कि नेक्स्ट डे तुरंत कमिश्नर साहब खुद आए और उन्होंने कुछ उन्होंने वहाँ पर पॉट होल्स का फिलिंग वगैरह किया। और टेम्पररी था, पता नहीं कितना टाइम चलेगा वो, अभी भी आप जाके देख सकते हैं थाना रोड की कंडीशन। और ये जो 52 रोड जो है जो पास है, ये काफ़ी टाइम से पास है, 2017-18 का इनका ये प्रोजेक्ट है, लेकिन फंड्स की कमी से लाइक 2022 में हम लोगों ने RTI लगा के सारा इन्फॉर्मेशन निकाला था, और तभी ये पता चला था कि फंड्स की कमी की वजह से कभी काफ़ी रोड जो है नहीं बन पाए, तो काम जल्दी शुरू करेंगे। तो अब ये देखो कहीं कहीं काम हुआ है शुरू, कंक्रीट के रोड जैसे थाना रोड पे शुरू हुआ है। अब ये जो रोड है दामन नाका सॉरी अपना दीवान शाह से दरगाह से लेके अपना धांगे हॉस्पिटल तक का ये रोड तो एकदम पैथेटिक कंडीशन है, बहुत बुरी हालत है। तो अपना ये एक पब्लिक को जागरूक करना है, और जो गवर्नमेंट है जो अपनी जो लोकल यहाँ की जो बॉडी है उसको जागरूक करने का ज़रूरत है कि भाई जल्द से जल्द काम शुरू करे, और पब्लिक का समर्थन भी चाहिए इसमें। इसके पहले सारा गड़ा भर जाना चाहिए, क्योंकि बहाना मिल जाता है कि हम लोग बारिश हो रही उसमें कैसे डामर का कंक्रीट डाला जाए, इसलिए बरसात शुरू होने से पहले जितने खड्डे सब भर दिए जाएं। ठीक है बोलिए। इसके अलावा कचरा है जगह जगह, यहाँ कचरा फेंका जाता है, पीछे देखिए आप कचरे का ऐसे ही सब पड़ा हुआ रहता है, साफ सफाई नहीं है, बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं करते हैं। रास्ते पे चलो पानी भर जाता है, कचरे में से हमारा पैर जाता है, मगर ये नहीं सोचते कि बोलने से पहले कि कचरा साफ हो जाए। इसके अलावा पानी है, पानी इतना पीला आ रहा है कि पीने के लिए ले ही नहीं सकता इंसान, अगर पिएंगे तो इससे दुनिया की तरह तरह की बीमारियाँ, और ये एकदम पीला पानी है। इतना इन लोग ऐसा हो गए कि आग बंद करके सो गए, मर गए, अल्लाह जाने जो हुआ, लेकिन इन लोग को होश ही नहीं आ रहा, पी के सो गए। अब हम लोग यहाँ खड़े, अब की बार हम लोग इन लोग के घर के बाहर जाके खड़े होंगे, बस बहुत हुआ, बहुत बर्दाश्त कर लिए। रोज का कॉलेज का स्ट्रगल है, ऐसा लगता है कॉलेज हम लोग को पढ़ने से ज्यादा ना रास्ते पे ट्रेवल करने भारी पड़ता है, और रोज का ये रोज का, और जब तक जितना बर्दाश्त कर सकते इंसान कर रहा है, अब रोड पे आना पड़ रहा है, तो रोड पे भी आके बोलेंगे और इसके बाद भी आएंगे। जो लाइन बनी है क्यों बनी? सबसे पहले मैं आप तमाम मीडिया कर्मी का चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आवाम की बेदारी में आपका बहुत बड़ा योगदान साथ है, और उम्मीद है कि ये भी योगदान आगे भी आपका जारी रहेगा। मैं आपको बता दूं सड़क अच्छी सड़क के लिए फिल वक्त MPG और हमारे तमाम भिवंडी के और भी NGOs के साथ में, बेदार शहरियों के साथ में और हमारे जिम्मेदार शहरियों के साथ में हम अपना एक अच्छी सड़क के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि हमको हमारा बुनियादी हक मिले, जिससे हम अभी वंचित हैं। सड़कें इतनी ख़राब हो गई हैं कि शहर में चलने जैसी जगह नहीं है, हर तबका परेशान है, हर तबका परेशान है। इस हक के लिए हम आवाज़ बुलंद करने के लिए मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस के बैनर तले हम अपनी आवाज़ अपने जिम्मेदारान तक पहुँचाना चाहते हैं कि वो कम से कम अभी जाग जाएँ। इसकी पहली कड़ी में हमने थाना रोड पर अपना एजिटेशन किया था और उसका माशाल्लाह बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहा, और मैं समझता हूँ कि अब ये बेदारी आ गई है, अब पुराने हीले बहाने किसी भी जिम्मेदार की नहीं चाहिए, चाहे वो हमारे कॉरपोरेशन में बैठे हुए लोग हो, आमदार हो, या हमारे जो भी जिम्मेदारान हो, उनको अब ये हीले बहाने नहीं चलेंगे, उनको हमारा हक देना पड़ेगा। जी जी, क्या कहेंगे भाई आपके पीछे देखिए छोटे छोटे बच्चे और कुछ महिलाएं जो रोड पे सड़क पे प्रोटेस्ट कर रही है अच्छी सड़क के लिए, तो क्या कहेंगे, आपका क्या राय? शहर की हुकूमत जब तक चुनिंदा लोगों के हाथ में होगी शहर का ये हाल होगा। शहर ने बहुत सारे नए पुराने लोगों को मौका दिया, दो दो बार MLA बनाया, उनका घर सामने ही रशीद ताहिर मोमिन,
उनके घर के सामने खड़े हम, वो फिर अभी भी बोलते हैं हम इलेक्शन लड़े, उनको शर्म नहीं आती, उनको शर्म आना चाहिए कि अब हमको माफ़ी यात्रा निकालना चाहिए लोगों के लिए, और अब ये ख़त्म कर देना चाहिए कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। उनको समझ में आ जाना चाहिए कि हमको इलेक्शन नहीं लड़ना है, जब तक ये लोग हुकूमत करते रहेंगे भिवंडी शहर कभी आबाद नहीं हो सकता, बर्बाद रहेगा। मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से तो ये चीज़ हो रही है, कमिश्नर साहब बहुत काम कर रहे हैं, बहुत उनका फोकस जो है शहर को डेवलपमेंट के लिए, तो आपको लगता है कि शहर का डेवलपमेंट हो रहा है? शहर का डेवलपमेंट तो नहीं हो रहा है, शहर का विनाश हो रहा है जी। शहर का अभी आपने देखा कुछ लोगों का घर टूटा था, क्या कॉम्पनसेशन मिला उनको? कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिला, टाइम पास हुआ 2 महीना, कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिला। शहर का डेवलपमेंट कब होगा? जब तुम उसका अल्टरनेटिव कुछ दोगे उनको। आप बोलते हो कि यहाँ फुटपाथ पे गाड़ी नहीं लगाना, कुछ पर लगाना, एक हॉकर जोन तो आप बना कर दो भिवंडी में, ना एक हॉकर जोन है, ना भिवंडी का पार्किंग जोन है, कुछ नहीं है। उसके बाद भी भिवंडी शहर को बर्बाद करने वाला कौन? विलास पाटिल। हमेशा से विलास पाटिल ने पैसा खाया, 4 नगर सेवक, उसके बाद मेयर बनना, उसके बाद भी मुसलमान एक ऐसी कौम है जो विलास पाटिल को सर पे उठा के बैठी है। शर्म की बात है कि यार जो शहर को आदमी जिसने बर्बाद किया है, वो शहर को बर्बाद करने वाला आदमी वापस से कैसे शहर का विकास कर सकता है? मोमिन की शान ये है कि वो एक बिल में से 2 बार डसा नहीं जाता, हम तो 2000 बार डसे जा रहे हैं। हमको कब हिदायत मिलेगी? कब हमारे शहर में हमारे जमाते पे जू रेंगेगी? कब समझ में आएगा हमको? कब हम होश के नाखून लेंगे? ऐसे लोगों को बायकॉट करो, जो लोग बार बार इलेक्शन में खड़े होते हैं शहर को बर्बाद करते हैं, नए लोगों को मौका दो, नया शहर आना चाहिए भिवंडी शहर के अंदर। तो आप इस प्रोटेस्ट में जो भिवंडी शहर के जो कमिश्नर है आयुब साहब है, जो कि बहुत डंका बजा के कहते हैं कि मैं डेवलपमेंट का सोचता हूँ, तो उनके लिए क्या मैसेज देंगे? डेवलपमेंट का उन्होंने ना उनका मैं कॉल रिकॉर्डिंग सुना, जो एक मैडम थे उन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग कॉल किए कि भाई आपको जो है हमारे शहर का कचरा उठाना है मोहल्ले में से, तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं, पहले आप घर पट्टी भरो। और अभी तो मुझे सुनने में आया कि जिसकी घर पट्टी भरी हुई रहेगी उसी से मिलेंगे जी। तो क्या जितने नगर सेवक से वो मिलते हैं, जितने लोग वहाँ सेटलमेंट करने पहुँचते हैं, तो क्या उनकी घर पट्टी भरी हुई रहती है क्या? जो उनके खास खास लोग हैं खाली उनकी भरी हुई रहती है क्या जी? नहीं यार, मोमिन साहब का एरिया है, सुरेश टावरे साहब का एरिया है, वो आज तक कभी सही नहीं कर पाए। भिवंडी की पूरी पॉलिटिक्स यहीं से शुरू हुई है, लेकिन आज भी ये जो है। और मैं आपको ये वादा करता हूँ, इंशाल्लाह जो पुराने लोग हैं ना, पुराने मक्कार लोग, ये पुराने मक्कार लोग को घर पर बिठाया जाएगा और इनकी सियासत को ख़त्म कर दिया जाएगा और नए लोगों को अलाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू। सड़क है जो हमें बिना मांगे मिलना चाहिए था, आज हमको इसके लिए इतना एहतजाज करना पड़ रहा है। और मैं आपको कहना चाहूँगा, आप ही जो मीडिया वाले जिनको हमारे लेजिस्लेटिव मेंबर MLA महेश चौगले साहब ने बुलाकर कहा था कि हम 8 दिन के अंदर दरगाह रोड दीवान शाह का काम शुरू करेंगे, एक बार नहीं आपको 2 बार बुलाया, एक बार अपनी ऑफिस में बुलाकर उनकी मीटिंग थी जब भी बोला, और दूसरी बार कमिश्नर से मीटिंग लेने के बाद उन्होंने बोला कि हम 8 दिन के अंदर इस रोड का काम शुरू करेंगे। तो इस रोड का काम 8 दिन के अंदर शुरू क्यों नहीं हुआ? आपकी कितनी पावर है? आपका अगर आपने कहा है तो 6 दिन में काम शुरू होना चाहिए, आज 20 दिन हो गया इस रोड का काम शुरू नहीं हुआ है। मतलब आपकी बात में दम नहीं है, आपका पेपर वर्क या आप किस वजह से इस रोड को डिले करते जा रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि आपने पद्मनगर का काम शुरू कर दिया, भंडारी का काम रोड पूरा बन गया, कामतगढ़ का पूरा रोड बन गया, कामत वराल देवी का रोड पूरा बन रहा है, तो ये 2-4 रोड पे आप क्यों इसको काम को नहीं शुरू कर रहे? एक दरगाह रोड है, थाना रोड है, निजामपुरा, ये रोड भी हमारे को बना के चाहिए। ये जी बहुत इतना अच्छा है कि हम क्या करेंगे, हमारे सुबह में माँ बहनें स्कूल जाती है बच्ची लोग को छोड़ने के लिए, कोई भी बाइक वाला आता है इतनी ख़राब छीटा मार के जाता है, बच्ची स्कूल जाती है यहाँ से। कल ही की बात है, यहाँ पे एक आदमी अपनी औरत को लेके गिर गया बच्चे को लेके, तो क्या ये रोड सही नहीं करवा सकते? कुछ भी त्यौहार आएगा अगर गिरेगा तो कुछ होगा, तो भिवंडी के पॉलिटिक्स जो है कुछ नहीं करेंगे, कोई उठाने वाला कोई आएगा नहीं, बल्कि और 10 लोग आएंगे, वीडियो बनाएंगे कि यार ये गिर गया, इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे चैलेंज करेंगे कि देखो ये गिर गया है, ये हो गया। हमारे रशीदार MLA का घर यही है, उनके एरिया में इतना बड़ा खड्डा है, यहाँ से इतना है, कुछ भी रहेगा, गणपति आन दो, मोहर्रम आन दो, ईद आन दो, बकरीद आन दो, खाली बस थोड़ा बहुत गटर में इस पर थोपा मार के चले जाएंगे और बोलेंगे हमने इतना बड़ा तीर का मान किया है और लोग को चैनल पे सपोर्ट करेंगे यार हमने इतना किया है, उतना वो किया है। हम इससे पहले मुद्दा उठा था कि आज रात में ही वो थाने में जो यूज़ हुआ है कोई मटेरियल का नाम लिए थे कि आज रात से ही चालू हो जाएगा, और वो लगता है ट्रैफिक में फंस गया होगा मटेरियल, वही के लिए अभी तक पहुंच नहीं पाया है। तो हम कहना चाह रहे कमिश्नर से भी, आमदार साहब से भी और नेता लोग से भी कि क्या बोलते हैं रोड बनाओ, नहीं तो इलेक्शन आने वाला है। और इस बार लोगों से अपील करते हैं कि 500 में बिक जाओगे तो ऐसी सड़क पाओगे।
500 में बिकोगे तो ऐसी सड़क पाओगे। बहुत 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 शुक्रिया। आइए हम उन महिलाओं से जो देखिए इतनी बारिश में भीग कर इस मासूम सी बच्ची, आखिर इसको इस क्या वजह होगी इसको रोड पे सड़क पर आना पड़ा, हम इस बच्ची से पूछेंगे। कैसे हो बेटा, अब क्यों खड़े हो यहाँ पर? सड़क के लिए। अच्छा, आपको स्कूल कहाँ पर, स्कूल जाने जाते हो, लेट होता है स्कूल के लिए? हाँ। अच्छा, थैंक यू। क्या कहेंगे आप मैम? सड़क दे दो, हमको कुछ नहीं चाहिए, ऐसे ही हम लोग बहुत मेहनत करके यहाँ खड़े हैं और आने जाने वाले बोल रहे पैसा लेके खड़े, एटलीस्ट हम लोग खड़े तो सही है। मतलब आपको ये कहा जा रहा है पैसा लेके खड़े? हाँ, हम लोग एटलीस्ट खड़े तो सही। और ये वही लोग हैं जो 200 रुपए लेके अपना वोट दे देते हैं, इनका जमीर बेच देते हैं 200-250 रुपए में, और उनकी वजह से हम लोग को यहाँ पे झेलना पड़ता। और ये लोग जाते जाते बोलते ये लोग पैसा लेके खड़े, एटलीस्ट तुम्हारी तरह 250 रुपए में अपना वोट नहीं दिए हम लोग ने, यहाँ पे हम लोग अपनी मजबूरी के लिए खड़े और तुमको देखना पड़ेगा। ये लोग है ना वोट देते हैं, पैसा लेते हैं, वोट देते हैं, ये लोग के दिमाग में यही सोच है कि ये लोग भी पैसा लेके यहाँ पर खड़े हैं, मगर हम लोग को बहुत तकलीफ है, हम लोग को अच्छा रास्ता चाहिए। हम लोग की बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि हम लोग को अच्छा रास्ता चाहिए, बहुत हो गया, बहुत कर लिया। सड़क नहीं खराब कर रहे हम लोग के बाद।